आखिरकार अंत में वो घड़ी आ ही चुका। Amazon पे फास्ट सेल में Redmi Note 8 Pro काफी मुशक्कत करने के बाद मुझे मिला 6GB 128GB वाला वेरिएंट, हेलो व्हाइट कलर में। आज इस वीडियो में मैं आपको इसका छोटा सा, वैसे आप तो जानते ही हो इसमें क्या क्या मिलता है, पर भाई फॉर्मेलिटीज होता है, थोड़ा सा डब्बा खोल यानी अनबॉक्सिंग और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या हुआ मुझे इस फोन के साथ, कैसा लगा मुझे, हाँ वो तो अनबायस होगा और बाद में बहुत सारे वीडियोस आता रहेगा। एक बात, काफी गजब का लगा ये फोन। चलिए तो देख लेते हैं एक के बाद एक इसका अनबॉक्सिंग, छोटा सा इंप्रेशन मेरा और ऑनेस्ट ओपिनियन, और एलेक्सा कैसे काम करता है यहाँ पे। हे एलेक्सा, तो चलून करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। टेक की तरफ से हीलियो G93 प्रोसेसर दिया गया है Redmi Note 8 Pro में। 12 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे ये क्लॉक्ड है, और G76 यानी माली G76 MC4 ये GPU आपको यहां पे मिलता है। काफी ज्यादा रूमर्स हैं और ये अंत में आपके अंतर में भी ये आपको डर लग रहा है, क्या हीटिंग इशू है, इसका खुलासा तो मैं कर दूंगा अगली वीडियो में, पर अभी के लिए काफी अच्छा लग रहा है ये हेलो व्हाइट कलर। आप कौन से वेरिएंट के साथ गए हो, और ये 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। इसमें जो रैम मिलता है वो बहुत सारे, पर इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB और दूसरा 6GB 128GB। 15,000 16,000 मैंने 16,000 का लिया 6GB 128GB, मैं भी आपको ये रिकमेंड करता हूं 15,000 से ये वाला लीजिए। 2.1 यहां पे दिया गया है LPDDR4X रैम, इसमें उपयोग किया गया है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, भैया गजब का लगा मुझे, और इसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलेगा। मैं तो डेडिकेटेड गेमिंग के साथ आ जाऊंगा Redmi Note 8 Pro का। डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा, ये देखिए अभी मैं Redmi K20 यूज कर रहा हूं, आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो मिल भी गया है, और इसमें और उसमें इसमें यानी ये वाला काफी अच्छा लग रहा है मुझे। साथ में यहां पे आपको पूरा ही ग्लास दिया गया है, पीछे में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, और कहा गया ये आपको TPU केस भी मिलता है, इसको उपयोग जरूर कीजिएगा। पीछे में आपको 4 कैमरास मिलेगा और एक कैमरा अलग से, उसके नीचे एक फ्लैश, पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि यहां पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है इसका प्लेसमेंट मुझे सही नहीं लगा। अब ये तो बहुत ही छोटा है और बहुत बार ऐसा हो रहा है आप कैमरे के ऊपर भाई यहां पे प्रेस कर रहे हो, ये थोड़ा सा दिक्कत लगा, पर बी हैबिचुएटेड। अभी इसमें आपको साइड में क्रोम जैसा फिनिशिंग मिलेगा, पर ये प्लास्टिक का है यानी पॉलीकार्बोनेट। डिस्प्ले गजब का डिस्प्ले मिल रहा है आपको, 6.53 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, 500 nits आपको मैक्स ब्राइटनेस देखने को मिलता है, HDR का सपोर्ट मिलेगा, PUBG में आपको HDR का सपोर्ट मिलेगा, YouTube में मिलेगा, और यहां पे छोटा सा एक नॉच दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन क्या था, नोटिफिकेशन LED लाइट है या नहीं, भैया यहां पे कैमरा के ठीक बाजू में एक छोटा सा व्हाइट कलर का सिंगल कलर LED नोटिफिकेशन लाइट दिया गया है, और वो चार्जिंग के समय और आपके नोटिफिकेशन अगर आता है तो काम करता है, तो डोंट बी वरीड। अभी यहां पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। आप YouTube देखो, आप Amazon Prime में वीडियो देखो, Netflix में देखो, Hotstar में देखो, क्या हॉट है यार, काफी अच्छा लगेगा। और जो भी आप देखोगे ना उबर क्या रहा है, तो डिस्प्ले यहां पर थम्स अप और बेजल्स भी काफी कम है यहां पर। अब यहां पर आपको USB Type-C दिया गया है,
साथ में यहां पे आपको 18 वाट का एक फास्ट चार्जर भी दिया गया है, वो भी आपको बॉक्स पे मिलेगा। और 4500 mAh बैटरी, काफी गजब का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप एक हेवी यूजर हो तो आपको डेढ़ दिन का बैटरी बैकअप जरूर मिलेगा। अगर आप नॉर्मल यूजर हो बाय ब्लाइंडली, आपको दो दिन का बैटरी बैकअप जरूर मिलेगा। अभी तक मुझे हीटिंग इशू नहीं मिला है, अब बहुत ज्यादा यूज करूंगा तभी ये मुझे आइडिया आ जाएगा। कैमरा, इस फोन का और एक हकीकत है इसका कैमरा, 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहां पे मिलता है जो प्राइमरी, और इसका अपर्चर है f/1.9। दूसरा कैमरा मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का f/2.2 अपर्चर के साथ, और ये वाला है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। 2 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो लेंस मिलता है f/2.4 अपर्चर के साथ, और 2 मेगापिक्सल का f/2.4 अपर्चर के साथ आपको एक डेप्थ सेंसर मिलता है। सामने में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है, Realme XT से ज्यादा है, और f/2.0 अपर्चर के साथ। यहां पे मैंने कुछ पिक्चर लिया है, जरा देखिएगा, काफी अच्छा इसका पोर्ट्रेट मोड मुझे लगा, काफी अच्छा इसका जो 2x ऑप्टिकल जूम आपको देखने को मिलेगा वो मुझे लगा, क्लैरिटी काफी अच्छा है। आगे जाके आपको कैमरा इन डेप्थ रिव्यू भी मिल जाएगा, हो सके तो Realme XT के साथ इसका एक कंपैरिजन भी ले आऊंगा। साथ में यहां पे मुझे काफी अच्छा लगा इसका पोर्ट्रेट मोड, सेल्फी कैमरा भी काफी अच्छा है, और यहां पे आपको डिटेल्स बारीकी से मिल रहा है, और जो मैक्रो लेंस वो भी काफी अच्छा है। यहां पे एक अच्छा चीज आपको मिलेगा वो है भैया, यहां पे आप मैक्रो लेंस से वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड से वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो जो Realme XT में नहीं है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, और यह इसका सपोर्ट भी आपको यहां पे मिलेगा, और यहां पे एलेक्सा भी है। तो अब देखो जरा एलेक्सा कैसे काम कर रहा है। Who is the Prime Minister of India? The Prime Minister of India is Narendra Modi. Who is the Chief Minister of West Bengal? West Bengal's Chief Minister is Mamata Banerjee. Sound quality मुझे तगड़ा लगा। आपको यहाँ पे bottom में single speaker मिलता है और sound quality बहुत ही अच्छा है। पर हाँ, थोड़ा सा मुझे कम लगा क्योंकि मैं Redmi K20 को use कर रहा हूँ, उसका sound quality काफी ज़्यादा है। पर price के हिसाब से आपको Redmi Note 8 Pro में sound quality काफी अच्छा मिलता है, और यहाँ पे आपको IR blaster भी मिलता है। ये भी काफी बढ़िया। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी दिया गया है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी अच्छे से काम कर रहा है, फेस अनलॉक भी काफी अच्छे से काम कर रहा है, और यहां पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर एक चांस में यहां पे ओपन हो रहा है, और फेस अनलॉक भी काफी अच्छे से यहां पे काम कर रहा है, और हर बार आपको ये काफी अच्छा एहसास दे रहा है। तो यहां पे आपको MIUI मिलता है, एंड्रॉइड पाई मिलता है, और फोन को ओपन करने से ही मुझे एक अपडेट मिला, अपडेट का रिव्यू भी आ जाएगा। तो भैया ये था इस फोन का एक छोटा सा इंप्रेशन और अनबॉक्सिंग, आगे जाके आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, और अंत में मेरा प्रोज एंड कॉन्स, कैसा लगा आपको ये फोन? मुझे तो काफी भैया अच्छा लगा, और इसका जो ये कलर, ये मुझे काफी पसंद है, और ब्लैक ब्यूटी व्हाइट ब्यूटी आप कह सकते हो, आगे जाके बहुत मिलेगा आपको। हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपके मन लग रहा है तो यहां पे, और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए।